खिलाफ हरियाणा पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में कल 7 बजे से 9 जिलों के 57 ब्लॉक में जिला परिषद और साथ ही पंचायत समिति सदस्यों के लिए वोटिंग होगी। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। इसमें 48,67,132 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। हालांकि विजेताओं के नाम 27 नवंबर को ही घोषित किए जाएंगे। पूरे प्रदेश में जिला परिषद और ब्लॉक समिति सदस्यों के लिए एक साथ मतगणना होगी, यानी जब तीनों चरणों का मतदान खत्म हो जाएगा, प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद एक दिन वोट काउंटिंग होगी और उसी के साथ परिणाम आएगा। प्रशासन की ओर से मतदान को लेकर तैयारियां पूरी की गई है। साथ ही सिरसा में भी प्रशासन को चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार देखा गया है। आज जो हमारा कल चुनाव होना है उसके लिए आज सभी पोलिंग पार्टियां जो हमारे 156 बूथ हैं उन सभी के लिए हम यहां से पार्टियां सम्मान देकर के विदा करेंगे। साथ में उनके सुपरवाइजर और ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं, उनको भी उनके बूथों के हिसाब से भेजा जाएगा, उनसे रिपोर्ट ली जाएगी और हम पार्टियों को भी पूरी तरह से एक बार फिर प्रशिक्षण देंगे और आम आदमी आम जनता जो हमारे वोटर्स हैं उन सभी से करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करने आए और शांति और सौहार्दपूर्ण अपना वोट करें ताकि इस प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, मुस्तैद है, अलर्ट है, एक्टिव है और आज उसी में ब्रीफिंग की गई है अभी और ये मल्टीपल लेवल पर ब्रीफिंग भी होगी। अभी DSPs भी अपने अपने जो ब्लॉक हैं वहाँ पर ब्रीफिंग करेंगे पूरी फोर्स की और अभी मैंने SHOs की भी एक अलग से मैं मीटिंग लूँगा तो इनको जो भी चुनाव आचार संहिता में जो भी पालना करना चाहिए उसके विषय में बता दिया गया है और साथ ही हिदायत दी गई है कि अगर कोई भी कानून व्यवस्था तोड़ता है या चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की है। टोटल 2,500 से ऊपर जवान हैं, लगभग 3,000 के आसपास हो जाएंगे और उसमें मैंने कल भी बताया था कि पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं 90 के आसपास और साथ ही बूथ ड्यूटीज़ हैं जितने भी बूथ हैं हमारे और इसके अलावा सिविल वर्दी में भी हमारे जवान रहेंगे। फिर हमारे वीडियोग्राफर्स हैं जो कि वीडियो बनाते रहेंगे। नाके लगाए गए हैं हमने जो भी हमारे बॉर्डर जिले तस्वीर के चरखीदादरी, सोनीपत के गोहाना, सोनीपत और करनाल की तस्वीरें आपके सामने। कल दरअसल जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए वोट होगा, उसके बाद 12 नवंबर को पंच और सरपंच चुने जाएंगे। इस बार पहली बार के जब तीन चरणों में पंचायत चुनाव करवाए जा रहे हों। पहले चरण के लिए वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ये भी आपको बता दें कि पहले चरण में पंच और सरपंच के परिणाम साथ साथ आ चुके हैं जो कि हर बार आते रहे ठीक उसी तर्ज पर, यानी जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन वोट काउंटिंग भी और परिणाम भी। लेकिन पहले चरण के जिला परिषद और पंचायत समिति भी और इस बार के भी और उसके बाद अगले और अंतिम यानी तीसरे चरण के चुनाव के भी एक साथ ही परिणाम आएंगे, ये भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो 9 जिलों के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है।